ये रैपर अपने हाथ में एक लाइटनिंग डिवाइस को फिट कराता है। कुछ दिनों बाद ये डिवाइस रैपर के हाथ में इन्फेक्शन कर देती है। अब डॉक्टर हाथ में से इस लाइटनिंग डिवाइस को कैसे बाहर निकालेंगे, आइए एनिमेशन से समझते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कॉमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी जरूर बताना है। सबसे पहले डॉक्टर टांगों के आस पास की गंदगी को साफ करते हैं। इसके बाद कुछ लीच को रैपर के हाथ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे सभी लीच हाथ के घाव का गंदा खून पी जाती है। इन लीच को एक औजार की सहायता से हटाकर हाथ को कपड़े से साफ किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर टांगों पर एंटीसेप्टिक दवाई को लगाकर टांगों को काट देते हैं। टांगों को काटने के बाद लाइटनिंग डिवाइस को हाथ में से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर टांगों को भरकर घाव पर बैंडेज लगा देते हैं और इन्फेक्शन के फोड़ों को फोड़कर उनमें भरी मवाद को भी निकाल लेते हैं। मवाद को निकालने के बाद डॉक्टर मवाद को कपड़े से साफ करते हैं और घाव पर दवाई को भी लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद इस रैपर का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है।